आपको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुधांशु जी, आप कह रहे थे कि सही कह रहे थे, बीजेपी आएगी तो खौफ का माहौल होगा, लोग परेशान होंगे, लोग ऐसा कहते थे, आप कह रहे हो, तो क्या गलत लोगों ने कहा था? आप आए, आपने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, तो लोग क्या गलत कह रहे थे? बीजेपी आएगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बढ़ा ना। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपने वसूली शुरू कर दी, क्या गलत कहा था लोगों ने? सत्तर साल करते थे आप, कांग्रेस विपक्ष की सरकारें 70 साल थी, 70 साल में वो जितना नहीं ले पाए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, आपने मात्र 10 साल में 6,000 करोड़ रुपया ले लिया। बताइए, आप गलत कह रहा हूं तो? आप कहते थे क्यों नहीं लोग डरेंगे, आपने आके नोटबंदी कर दी, नोटबंदी में क्या हुआ, लोग कैसे लाइन में लग के लोगों की मौतें होंगी बेवजह? आप तो कहते नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन अभी भी करोड़ रुपया मिलता है, कहां से मिलता है भैया? काला धन तो खत्म हो जाना चाहिए था, फिर लोगों के घरों में कैसे निकला? इसके मतलब आप फेल हो चुके। फिर आप क्या कहते थे, लॉकडाउन लगा दिया आपने, निकला। अब इतनी देश की ट्रेनें खड़ी रही, देश की बसेस खड़ी रही, लोग पैदल चल के मर गए, लोगों की मौतें हो गई, तो लोग को डर लग रहा था ना कि आप आओगे तो, जब यहाँ कोरोना की बीमारी आई तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, ऑक्सीजन के बगैर लोग तड़प तड़प के मर गए, इसीलिए लोग डर रहे थे कि आपकी सरकार आएगी तो लोगों का भले की बात नहीं करेगी, कुछ चंद लोगों के भले की बात करेगी, कुछ चंद लोगों को धन्ना सेठ बनाएगी, और जो परेशान लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, और जो सबसे पॉवर्टी में आता है, जिसको आप कहोगे हम रोजगार देंगे, उनको आपने 80 करोड़ लोगों को तलान में खड़ा कर दिया कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में अपनी जिंदगी गुजारो, हम आपको रोजगार नहीं दे पाएंगे। इसी लोग डर रहे थे कि आप आके लाइन में लगा दोगे लोगों को, आप आगे लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी लाइन में लगा दोगे कि आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपको गुजारा करना पड़ेगा, इसलिए लोग डर रहे थे कि आपकी सरकार आएगी, इसलिए लोग परेशान थे। सही कह रहे हैं आप सुधांशु जी, कि आप कह रहे थे लोग डरे हुए थे कि बीजेपी सरकार आएगी तो कैसे परेशानी होगी, ये मणिपुर में बेटियां परेशान होंगी, ये डर था कि बीजेपी बोलेगी नहीं, नहीं बोली। क्यों नहीं बोले मणिपुर की घटना में, क्यों नहीं बोले आप? मणिपुर की घटना कोई छोटी मोटी घटना है, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करोगे, मुझे पता है, अभी आप बोलोगे नहीं। मणिपुर का मां भूल जाओगे, महिलाओं का मां भूल जाओगे, महंगाई का मां भूल जाओगे, लेकिन मां से मछली याद रखोगे, मां से मीट याद आएगा, मां से मुर्गा याद आएगा, लेकिन मां से महंगाई, मां से महिला और मां से मणिपुर आपको याद नहीं आएगा। ये दिक्कत, इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। अनुराग जी, आपने सवाल पूछे, अब मैं चाहती हूं अपने मुद्दे को चलाना चाहती हूं। ओके, अब जवाब की बारी है। सुधांशु जी, माँ से मणिपुर नहीं, माँ से मछली याद आती है। वैसे मैं कहूँगा, आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके प्रधानमंत्री जी के भाषण सीधे दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट होते हैं, थोड़ा एआई का चैटबॉट निकाल लिया जाए तो मुझे लगता है कि भदौरिया जी को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब डिबेट में एक ही प्रकार की चीज बोलते, कोई टॉपिक हो एक ही बोलेंगे, मैं एक नहीं अनेक बार इनका जवाब दे चुका हूं, अलग क्या बोलता है, तो मैं इनको बता रहा हूँ। बोले दीजिए ना, वो बीच में नहीं बोला। तो ये जो मैंने आज बात बोली है, कभी बोला था क्या? अनुराग जी बीच में नहीं बोले ना। मैं माँ से महंगाई में अभी इनसे पूछूंगा तो ये महंगाई की दर नहीं बता पाते, फिर कहते हैं महंगाई की दर, महंगाई दर क्या है, महंगाई की दर है 5%, महंगाई दर क्या है, यही पूछोगे, महंगाई की दर है 5.09%। और आप पिछले, अनुराग जी ऐसा मत कीजिए, मुझे पता था ये डिस्टर्बेंस करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं, एक सेकंड, डिस्टर्बेंस करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं। सारी कड़वी बातें बोली लेकिन उन्होंने बीच में नहीं बोला था, मैं चाहती हूँ कि आप वो अपनी बात रखें, आप बीच में ना बोले, वरना वो बताता है कि आप घबरा रहे, मत बोली ना बीच में। हाँ, मैं दर्शकों से कहता हूँ जाके चेक कर लीजिए, कोई 5 साल बता दीजिए 2014 से पहले जब महंगाई की दर 5% से कम रही हो, मोदी जी के दौर में 2018 में 3.8% तक महंगाई दर गई है, कोई 3 साल बता दीजिए जब 3% से कम रही हो। आज की डेट में आज आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट बढ़ाकर 6.8% की है, और उसने जर्मनी और जापान की कम की है, चाइना की एज इट इज रखी है, ब्रिटेन की भी नीचे की है। इससे पहले मूडीज ने चाइना की घटाई और भारत की बढ़ाई, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, आईएमएफ सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। और जो ये बता रहे हैं भदौरिया जी, तब टमाटर रख के आते थे, अब टमाटर रख के नहीं लाते हैं, क्योंकि महंगाई की दर, बेरोजगारी की दर सब में भारत किसी भी देश की तुलना में और पूर्ववर्ती समय से बेहतर स्थिति में है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, ये आंकड़ों को डिस्प्यूट करते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूँ, सुनिए, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे का रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन चुके हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब में, कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज गुजरात में बना है, सबसे बड़ा समुद्री सेतु अटल सेतु महाराष्ट्र में बना है, नदी के नीचे से मेट्रो बन गई है कोलकाता में, और INS विक्रांत बन गया है विमान वाहक पोत, और सुनिए, हम तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गए, दूसरे बड़े हैंडसेट के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हो गए, मतलब बना कौन रहा है,
कोई रोजगार थोड़े सर्जित हो रहे हैं, ये तो आसमान से भूत पिशाच आते हैं, बना के चले जाते हैं और आप आके चिल्लाते रहते हैं, बताओ बताओ बताओ। मैं दर्शकों से कहता हूँ, आप भारत पे किसी जगह खड़े हो जाइए, 100 या 150 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि देश के अंदर बदलाव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कोई कंस्ट्रक्शन कर भी रहा है। जी, कौन कर रहा है ये कंस्ट्रक्शन, कौन भूत पिशाच कर रहे हैं जैसा कह रहे हैं उन्होंने। रूबिका जी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अगर आप खड़े हो जाओ तो आपको हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सप्रेस वे बना दिखाई पड़ेगा। हाँ, मैं खड़ा हुआ था अभी 3 दिन पहले, तो पता चला कि जो लड़ाकू विमान थे उतरने की कहीं जगह नहीं थी। पता कहाँ उतारा गया था? समाजवादी द्वारा बनाया हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तब नहीं कहीं उतर पाया। प्रभु उतार लेते कहीं तो हम भी जान जाते कि आपने एक्सप्रेस वे बनाया था, वहां उतार सकते थे, नहीं उतार पाए। दूसरी बात, रेलवे की बात कर रहे थे, ये भी बता देते कि आपने रेलवे में कितना प्राइवेटाइजेशन किया है, ये भी बता देते कितने एयरपोर्ट आपने प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिए, लगे हाथ बता देते। और मुझे लगता है शायद आप दिल्ली में रहने लगे, पहले तो आप मेरे बगल में बताओ, दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट प्राइवेट हाथ में दे रही है आपकी सरकार। सुनिए मेरी बात, आप बात पूरी होने दी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे आपकी सरकार ने प्राइवेट एयरपोर्ट थे कि नहीं, आप बात मत बोलिए, इसलिए आप झूठ बोलने लगते हैं। मेरी बात सुनिए, बीच में क्यों आप बोल रहे हैं, बीच में आपके जमाने में एयरपोर्ट प्राइवेट था कि नहीं? मैं तो आप तो इंदिरानगर में रहते थे तो आप बाजार जाते थे तो आपको पता चलता था कि दाल क्या भाव बिक रही है, दूध 35 रुपए से 65 रुपए हो गया है, पता है आपको? और आप महंगाई दर खोज रहे हो, यहाँ पे आदमी 35 रुपए का खरीदता था, 65 रुपए का खरीद रहा है, वो क्या महंगाई दर पूछेगा जो दूध वाला है या दाल खरीद रहा है? दाल वाले से महंगाई दर पूछेगा? वो पहले खरीदता था 60 रुपए में, खरीद रहा है 80 रुपए में, और आप कह रहे महंगाई दर पूछना उससे? कमाल की बात करते हैं आप, आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा जमीन को उतरिए। दिल्ली में भी 65 रुपए मिलता है सर, महंगाई लखनऊ में जो है वो दिल्ली में भी होगी ना, नहीं ना, इसलिए उनको अरे तो वो उनको लेकिन वो तो महंगाई दर बताएंगे ना उसको, उस पैसे बोलेंगे महंगाई दर बताइए, महंगाई दर पता को महंगाई दर 4% हो गई है, तो 35 रुपए से हमको 25 रुपए में दीजिए। ये फॉर्मूला आपको कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए? रुक जाइए अनुराग जी, 20 सेकंड सुधांशु जी, और उसके बाद दो और मेरे वक्ता। मैं बताना चाहता हूँ, मुझ में टोकने की आदत नहीं, पर कोई सफेद झूठ बोलने लगता टोकना पड़ता है। आपके जमाने में भी दोनों एयरपोर्ट प्राइवेट थे भाई, दिल्ली और मुंबई के, जीएमके जीवीआर और जीवीके और जीएमआर के हाथ। ऐसे झूठ बोलने लगते हैं, सारे प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट कर दिए। प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के समय में बाकायदा डिसइन्वेस्टमेंट की नीति की थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चलिए महंगाई की बात पर, दर्शकों से कहता हूँ जाके चेक करिए, जब हमने छोड़ा था 2004 और जब ये आए 2014 में कितना परसेंट महंगाई बढ़ी, और 2014 से 24 के बीच में कितनी बढ़ी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ना कोई मेरी बात पे यकीन करे ना अनुराग भदौरिया जी पे, हाथ नचाने से कुछ नहीं होने वाला। बताओ मेरे भाई, कितने परसेंट महंगाई बढ़ी तब और कितने परसेंट महंगाई बढ़ी अब? इसीलिए मैंने कहा आज महंगाई जवाब इनको नहीं समझ में आ रही है। 20 सेकंड दिए थे मैंने, विवेक श्रीवास्तव भी यहाँ पर और हर्षवर्धन जी भी। हर्षवर्धन जी ये मामला, एक सेकंड अनुराग जी, नहीं मैंने पूरा मौका दिया, नहीं हर्षवर्धन जी आप ना सर रुक जाइए, आपको पूरा मौका दिया आपको, मैंने ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया। हर्षवर्धन जी आपने तीनों की बातें सुनी है, मामला राम पर था और विकास तक पहुंचा है, ये कह देना कि नहीं यहाँ तो सिर्फ हिंदुत्व की बात हुई है, सिर्फ प्रभु राम की बात हुई है, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अलावा हिंदुत्व के परचम के कुछ और नहीं लहराया गया है, ये सरासर गलत नहीं होगा। बात तो सच है कि रोड भी बने हैं, बात तो सच है कि यहाँ पर जिस GDP से पूरी दुनिया जो है डर रही है, त्राहिमाम कर रही है, हम वहां पर सेफ जोन में है। रूबिका जी, निश्चित तौर पर यह है और इसीलिए विपक्ष की समस्या यही है। अब महंगाई और महंगाई दर का अंतर अगर समझ ले कोई तो शायद इस पर बात करना बंद कर दे। अभी जो ताजा आंकड़े आए हैं 5 महीने के न्यूनतम 4.9% ये महंगाई दर है, और जो औद्योगिक उत्पादन दर है वो 4 महीने के उच्चतम दर पर है। तो ये दोनों चीजें, यानी आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबसे बेहतर हो रहा है और जो महंगाई वो काबिम हुई। अब अगर महंगाई दर बढ़ेगी नहीं तो किसान को या किसी को भी उसकी उपज का भाव भी नहीं मिलेगा, ये अब लोग समझते नहीं क्योंकि दोनों बात करने लगते हैं। तो महंगाई तो कुछ न कुछ हर महीने साल बढ़ेगी, लेकिन क्या वो इतनी बढ़ गई? तो नहीं बढ़ी। RBI ने जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट रखा था 4-6% उसके बीच में है, कोविड छोड़ कभी उसके ऊपर नहीं गई। UPA के शासन काल में 13% के ऊपर महंगाई दर गई, ये आंकड़ा है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि प्राइवेटाइज हो गया तो दर्शक इसको अच्छे से समझते हैं, आप किसको कह रहे हैं?
जो बच्चा किसी इंजीनियर बनके मैनेजमेंट करके जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है आप उसको कह रहे हैं, जिन कंपनियों में 1,00,000, 2,00,000, 10,000, 5,000, 2,000 लोग काम कर रहे हैं आप उनको कह रहे हैं। वो टीवी पर हमारे नेताओं को देखकर हंसते होंगे जब वो कहते हैं सब बिक गया। अरे भाई बिक के किसी और देश में थोड़ी ना गया, कोई कंपनी है जो उसका मैनेजमेंट कर रही है और उसके आधार पर वो ऐसा नहीं है। विवेक जी, ओके ओके, हर्षवर्धन जी, मैं अब अपने अपने डिबेट के आखिरी अंश में पहुंच रही हूं। विवेक जी, आपने जो सवाल पूछा था उसमें से एक व्यूअर ने कहा है कि ये जो मुस्लिम एम्परर्स की आप बात कर रहे हैं जो यहाँ आकर राज कर रहे थे वो तो आक्रांता थे, आके आप मेरे ही घर में कब्जा करके कुछ बना कर और चले जाओगे तो एहसान थोड़ी करोगे? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ही गलत है और ये ब्राह्मणिकल और हिंदू सुप्रीमेसी की जो एक मानसिकता हमारे देश में बीजेपी और आरएसएस फैला रहे हैं गलत है। इट्स अ सेकुलर कंट्री और ये कहना कि मुसलमान आक्रांता थे, भाई राजा राजा होता है, सब राजा आपस में होते हैं। अरे नहीं नहीं, आप देखिए गड़बड़ी मत कीजिए, नॉट मुसलमान, आपने कहा मुस्लिम किंग्स, आपने कहा मुगल एम्परर्स। ओके ओके, यस मुगल एम्परर्स, यस ऑफ कोर्स, हिंदू एम्परर्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड, मुस्लिम एम्परर्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड, इतने हिंदू रानियों से शादी हुई, क्रॉस ब्रीडिंग हुई, बहुत कुछ हुआ इस देश के अंदर आर्किटेक्चरली रिफॉर्म्स में। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, मुस्लिम एम्परर्स का इस देश में कोई योगदान है कि नहीं है? विवेक जी प्लीज, विवेक जी मैं विवेक जी जैसे लोग जो जिस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं मैं बिल्कुल कहता हूं। ये बताइए, इस देश पे अंग्रेजों ने शासन किया तो कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि वायसराय हमारा था, ये अंग्रेजों का रूल हमारा था, दिस वाज अ क्रिश्चियन रूल। कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि ये इंडिया गेट और गेटवे ऑफ जी, माफी चाहती हूँ, वक्त की कमी है, माफी चाहती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी और विवेक जी, बहुत आनंद आया इस डिस्कशन में, सबकी बात यहाँ इस पटल पर थी, तय किसे करना है आपको। बड़ी कवरेज लगातार चुनावों की तारीखों में आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया।